मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला न्यायालय के आदेश पर ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के पूर्व मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व मैनेजर मनीष सक्सेना के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेजों के जरिए लाखों की धोखाधड़ी करने के मामले में FIR दर्ज हुई है। दरअसल मनीष सक्सेना ने अपने एजेंटों के जरिए लोगों को घर बनाने के लिए लोन दिलवाया था। जब लोगों ने होम लोन की किस्तों की राशि को फाइनेंस कंपनी में जमा कराया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वह राशि कंपनी के खाते में जमा न होकर मनीष सक्सेना के कूट रचित दस्तावेजों से तैयार किए गए दूसरे अकाउंट में जमा हो रहे थे, जिससे कंपनी को लाखों को नुकसान हो रहा था। वहीं इसके बाद कंपनी ने मनीष सक्सेना के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना इंद्रगंज अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए इस्तगासे पर से एक हमने 420, 467, 468 IPC की धाराओं में मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। इसमें कंपनी द्वारा अपने आवेदन में बताया गया है कि फाइनेंस कंपनी में कोई उनके यहाँ कर्मचारी था मोहित सक्सेना, जिसने जो लोन की रिकवरी की जो रकम होती है उसको कंपनी के खाते में जमा ना करके स्वयं के व्यक्तिगत हित के लिए उसका उपयोग किया है, जो फाइनेंस कंपनी को इससे काफ़ी घाटा पहुँचा है। उक्त इस्तगासे पर आगे आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR पंजीबद्ध की है। जल्दी इसमें आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अभी विवेचना में जो भी अमाउंट है वो क्लियर हो पाएगा कि किन जो ग्राहक थे जिनका अमाउंट इसने अपने व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफ़र किया है, ये विवेचना का प्रश्न है। लेकिन कंपनी के द्वारा प्रारंभिक कुछ तथ्य ऐसे प्रस्तुत किए गए थे जिस पर से व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करना आवश्यक हो गया।